टूरिस्ट यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते हैं। तो ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर कई बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे 1942 लव स्टोरी और लुटेरा। उसका जो रेंट है वो 600 रुपीज है। ये जो सामने आप रेंज देख रहे हैं, अभी तो बादल हैं सामने, ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज है। तो कैसा नजारा है? नजारा तो बहुत बढ़िया है, खूबसूरत है, ठंडा है। बट शांतनु जो है वो फिनलैंड से आए हैं, तो फिनलैंड में जॉब करते हैं शांतनु। तो हम शांतनु से पूछते हैं, शांतनु कैसा लगा फिनलैंड? अच्छा है कि हमारा इंडिया अच्छा? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम खजियार, चंबा, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाला जो साल है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, हेल्दी रहे और ढेर सारी आपके लिए खुशियां लेकर आए। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ से, खजियार से। एक्चुअली हम लोग जो हैं वो कल शाम को यहाँ पर पहुँच गए थे, तो कल हम लोग ब्लॉग नहीं कर सके क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो आज हम नए ब्लॉग की शुरुआत जो है वो यहाँ से कर रहे हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए फ्रेश ब्लॉग में। तो दोस्तों, इस टाइम हम लोग हैं यहाँ पर खजियार में, और ये आप देख रहे हैं मेरे सामने पीछे जो है ये PWD रेस्ट हाउस है। तो हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे, इस टाइम समय हुआ है सुबह की 8:15 हैं, और मौसम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है। टेम्परेचर इस टाइम आई थिंक मेरे ख्याल -1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो फ्रेंड्स, ये जो जगह है खजियार, ये दिल्ली से तकरीबन 600 किलोमीटर के करीब है। तो यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 12 से 13 घंटे का टाइम लग जाता है, और असली जो जर्नी स्टार्ट होती है वो होती है पठानकोट के बाद, पठानकोट से लेकर खजियार तक की। तो बहुत बढ़िया हिल स्टेशन है, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से बहुत मशहूर है ये खजियार। जो लोग मेरे इस वीडियो में नए जुड़े हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन आ रहा है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये देखिए, पूरे घास पे बर्फ जमी हुई है, और इस टाइम मैं बर्फ पर चल रहा हूँ, स्लिप होने के चांसेस हैं। -2 डिग्री अभी टेम्परेचर है यहाँ का। ये है रूम, तो चाय पी रहे हैं, कैसा है? ठंड है, बहुत ठंड, चाय भी ठंडी होगी। तो हीटर यहाँ पर देखिए लगाया हुआ है, तो हीटर सेक रहे हैं। तो अभी आपको मैं रूम दिखा देता हूँ, कैसे कैसे यहाँ के रूम है खजियार PWD रेस्ट हाउस के। तो ये रूम है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर ये लोग हीटर सेक रहे हैं। भाई ठंड लग रही है इन लोगों को, 9:30 बजे भी। ये सुमन है, उधर है भावना ठाकुर मेरी वाइफ है, और ये है अंकुर। अंकुर भाई हेलो। अभी सब तैयारी कर रहे हैं, और ये है कन्हैया। हेलो, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे शांतनु है, गुड मॉर्निंग। तो गाइज, आ गया है ब्रेकफास्ट, और हम लोग लग गए हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो शांतनु और अंकुर अभी आए नहीं है, उनकी वेट हो रही है। किस चीज के परांठे हैं ये? आलू, खाली आलू, आलू और अरबी। आलू अरबी है, आलू के भी अरबी, और चाय है, और घर का अचार बनाया हुआ, बहुत ही अच्छा अचार है। हाँ, उसका लहसुन का और लहसुन और मिर्च का बहुत ही टेस्टी अचार लग रहा है देखने में। तो वाव, करते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं हट्स, ये बिल्कुल खजियार जो लेक है उसके बीच में ये हट्स बनी हुई है, और टूरिस्ट यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते हैं झील का नजारा। यहाँ से पूरा 360 डिग्री व्यू आपको खजियार का देखने के लिए मिलता है।
अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं जैसे आजकल सीजन का टाइम है, तो इस टाइम पर यहाँ पर आपको 2000 से लेके 4500 तक के रूम्स होटल्स में अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। और यहाँ स्टेइंग की दूसरी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आपको हिमाचल टूरिज्म का होटल मिल जाएगा जो कि उस साइड है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पर बुक करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये वाला रेस्ट हाउस है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देवदार के पेड़ों के बीच में जो ये येलो कलर की बिल्डिंग है, ये है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। और अभी जैसे कि मैंने आपको PWD रेस्ट हाउस दिखाया है, तो वहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं, वो भी PWD डिपार्टमेंट के थ्रू वो बुक होता है। तो यहाँ पर आपको होटल्स, रेस्ट हाउस और टूरिज्म के होटल्स हैं यहाँ पे, HP टूरिज्म के, वो मिल जाएंगे। तो स्टेइंग की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट हाँ ये है कि ढलौजी में आपको काफ़ी अच्छे होटल्स और होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे। तो ढलौजी का जो डिस्टेंस है गाइज, वो यहाँ से 25 किलोमीटर्स के करीब है, और यहाँ से ढलौजी की जो जर्नी है वो बहुत सीनिक है, पूरा आपको डेंस फॉरेस्ट और सेंचुरी एरिया के बीच में से होके जाना होता है। तो अब मैं आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ काला टॉप। काला टॉप में गाइज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हैं वो रेस्ट हाउस हैं जो कि सिर्फ ऑनलाइन ही बुक हो सकते हैं, तो वो मैं आपको वहाँ पहुँच के पूरी उसकी डिटेल्स बताऊँगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग काला टॉप। दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं खजियार से काला टॉप के लिए। तो खजियार से काला टॉप तक का जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर्स है, और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। देखिए आप देख रहे हैं सड़क के दोनों तरफ देवदार के घने जंगल हैं, और कितना सीनिक रास्ता है। देखिए गाइस ये है काला टॉप का सेंचुरी एरिया जहाँ से हम लोग पर्ची कटवाते हैं। तो पर व्हीकल यहाँ 250 रुपीज़ की पर्ची कटती है, और उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे जाने की परमिशन मिलती है। ये जगह है लक्कड़ मंडी दोस्तों, तो लक्कड़ मंडी से हम लोगों का जो रूट है काला टॉप के लिए वो टर्न करता है। लक्कड़ मंडी से काला टॉप का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, और ये रोड जो है पूरा कच्चा है बिल्कुल, और बहुत ही नैरो है, तो गाड़ियों को पास देने के लिए जगह बहुत कम है इस रोड पे। एक तरफ नीचे को गहरी खाइयां हैं, तो अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं हिल्स में ड्राइव करने के लिए, तो मैं आपको तभी रेकमेंड करूंगा कि आप तभी गाड़ी लेके आएँ, अदरवाइज़ टैक्सी लेके आएँ। देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, और पास देने के लिए जगह बहुत ही ज़्यादा कम है, और ये बहुत ही सीनिक रोड है, और सेंचुरी एरिया से होता हुआ ये रोड जाता है। तो जगह जगह यहाँ पर साइन बोर्ड लगे हैं कि अकेले आप यहाँ से मत निकलें, क्योंकि रास्ते में आपको भालू मिल सकते हैं। फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर काला टॉप में। तो लक्कड़ मंडी से लेके काला टॉप तक का जो रास्ता है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। दोस्तों ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर कई बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे 1942 लव स्टोरी और लुटेरा मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पे हुई है, जिसमें रणबीर सिंह थे। और 1942 लव स्टोरी तो आपको पता ही है, सुपर डुपर हिट मूवी थी जिसमें अनिल कपूर और मनीषा कोइराला थे। तो उस मूवी के कुछ सीन जो हैं वो इस प्यारी सी लोकेशन पर शूट हुए थे। यहाँ पर फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ क्या टैरिफ है। तो यहाँ का जो रेस्ट हाउस है, ये वाला जो आप स्वीट देख रहे हैं, इसका जो रेंट है वो 1000 रुपीज़ है। ये दो स्वीट हैं, और उसके बैक साइड में यहाँ जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो जो सामने देख रहे हैं वो वाला ग्रीन वाला, वो भी फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है, उसका जो रेंट है वो 600 रुपीज़ है। और अगर आप आउट ऑफ हिमाचल से हो तो आपके लिए 1000 रुपीज़ का है। बहुत बढ़िया जगह है दोस्तों, और समर्स में अगर गर्मियों में अप्रैल में जून के मंथ में अगर आप यहाँ पर आते हो तो एक बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है। ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है, और जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं, ये बिल्कुल सेंचुरी एरिया के बीच में ये जगह है। तो ये देखिए, ये इस टाइम हम आ गए हैं काला टॉप से थोड़ा सा नीचे आ गए हैं, जो यहाँ विलेज है वहाँ आ गए हैं, और यहाँ पर शॉप्स हैं, और नज़ारा आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से टेरेस से। तो यहाँ पर बैठ के लंच करने का और स्नैक्स खाने का बहुत ही मज़ा है। और ये जो सामने आप रेंज देख रहे हैं, अभी तो बादल हैं सामने, ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज है। तो यहाँ से नज़ारा बहुत औसम है, बहुत बढ़िया नज़ारा देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर ये हमारी मैडम है,
तो मैडम कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? बहुत बढ़िया। ये सुमन है। हेलो। तो कैसा नज़ारा? नज़ारा तो बहुत बढ़िया है, खूबसूरत है, ठंडा है बट। हाँ ठंडा तो है। तो अब यहाँ क्या करना है? चाय चू पीनी कुछ वगैरह खाएंगे पियेंगे। अच्छा। और गाइस वो जो आप सामने नीचे देख रहे हैं ये नेचर पार्क है, यहाँ पे थोड़ी बहुत एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये हैं गांव के घर हैं, गांव में ये, यहाँ पर आपको होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 600 से लेके 1000 तक होम स्टे ईजिली अवेलेबल है। कभी भी आप आएँ यहाँ पर और यहाँ पर आकर इंजॉय कर सकते हैं आप नेचर को। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही ऑसम। समर्स में आना चाहते हो यहाँ? बिल्कुल, आकर यहाँ कुछ किया जाए तो बहुत ही पीसफुल रहेगा। हाँ बहुत ही अच्छा रहेगा, इतना सुंदर व्यू है, बिल्कुल शांति है यहाँ पे। और सुमन यहाँ जून महीने में आएंगे दोनों। और यहाँ क्या ना बिल्कुल क्राउड से दूर, बिल्कुल नेचर में। यहाँ 2-3 दिन यही रहेंगे दोनों, हम नहीं जाने वाले हैं, मेडिटेशन करेंगे हम। हाँ। हम दोनों तो यहाँ रहने वाले हैं, दोनों हमने अपनी इच्छा पूरी करनी है। यहाँ पर हमारे साथ आए हैं शांतनु। शांतनु एक बार हेलो कर दो। हेलो। तो शांतनु जो है वो फिनलैंड से आए हैं, तो फिनलैंड में जॉब करते हैं शांतनु। तो हम शांतनु से पूछते हैं, शांतनु कैसा लगा फिनलैंड? अच्छा है कि हमारा इंडिया अच्छा है? अरे उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हर जगह का अपना एक फील है। हाँ फिनलैंड भी अच्छा है, बट फिनलैंड में ऐसा पहाड़ नहीं है एक तो। हाँ वो प्लेन एरिया और वो जैसे बोलते हैं ना मैन मेड ज्यादा है, तो वो नेचुरल फील नहीं आती जो इधर आती है। तो इस वजह से मेरे को तो बहुत ही पसंद है और मेरे को अच्छा भी लगा इधर आके। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो गाइज आ गई चाय, अब हम लोग पी रहे हैं चाय और इस जगह पे हम लोग चाय का मजा ले रहे हैं इस नेचर में, इस व्यू में। और पीछे आप देखिए पीर पंजाल माउंटेनर्स दिख रही है, बहुत मस्त नज़ारा है भाई। सो गाइज अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, काला टॉप आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपके पास जियो की सिम ज़रूर हो, क्योंकि यहाँ पर जो नेटवर्क है वो सिर्फ जियो की सिम में आता है। तो अगर आपके पास जियो नहीं है तो आपको यहाँ पर बिना नेटवर्क के रहना पड़ेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सांस चढ़ गया है, थोड़ा चढ़ाई चढ़ के आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। शुभ रात्रि, शुभ भाग्य।